नमस्कार दोस्तों, आरोग्य होम्योपैथी क्लिनिक से मैं डॉक्टर गोपाल आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होम्योयोगी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनल फिशर्स के बारे में। एनल मतलब दोस्तों मल द्वार या गुदा द्वार, और फिशर्स मतलब जगह जगह कटाव हो जाना या दरारें सी बन जाना। तो यदि मल द्वार के पास, मल द्वार के किनारे पर या मल द्वार के अंदर किसी भी कारण से दरारें सी पड़ जाती है, या ये समझ लीजिए कि मल द्वार चटक जाता है, वहां पर जैसे एड़िया फटती है, वो जगह यदि इस प्रकार से फट जाए, वहां पर लंबी लंबी दरारें सी पड़ जाए, तो ये जो कंडीशन होती है दोस्तों, ये एनाल फिशर्स कहलाती है, या इसे फिशर्स इन एनो भी कहते हैं। दोस्तों, जनरली जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से कब्ज से परेशान होता है, उसे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, या बहुत अधिक लंबे समय से किसी व्यक्ति को लूज मोशन की शिकायत हो, क्रोनिक डायरिया हो, तो ऐसी दोनों ही कंडीशन में जो मलद्वार की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इरिटेट हो जाती है, और इरिटेशन होने के कारण वहां पर धीरे धीरे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें कट्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, और इस प्रकार से दोस्तों एनाल फिशर्स का निर्माण होता है। दोस्तों, एनाल फिशर्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जलन होती है, चुभन होती है, कभी कभी खून निकलता है, और कभी कभी खुजली होती है। एनाल फिशर्स देखें तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, ये छोटे लोगों को भी हो सकता है और बुजुर्गों में भी हो सकता है, मतलब एज इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन पैदा नहीं करती, किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये हो सकता है। इसके अलावा देखें तो ये महिलाओं में या पुरुषों में दोनों में ही पाया जाता है, किंतु महिलाओं में प्रेगनेंसी के कारण ये अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। दोस्तों, यदि एनल फिशर्स के काजेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब लगातार कब्ज का बने रहना। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से कब्ज से परेशान है, उसका स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है और बहुत ज्यादा ताकत लगाने से निकलता है, तो ये जो अंदर की मलद्वार की जो पूरा रास्ता होता है वहां पर बहुत ज्यादा रगड़ खाते हुए निकलता है। चूंकि स्टूल हार्ड होता है इसलिए रगड़ से वहां पर दरारें पैदा हो जाती है, और इस प्रकार से एनल फिशर्स बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डायरिया भी एक काज है। यदि देखा जाए तो यदि पर्याप्त मात्रा में कोई व्यक्ति पानी नहीं पीता है तो उसके कारण भी एनल फिशर्स का निर्माण हो जाता है, क्योंकि पानी की कमी से भी त्वचा सूख जाती है और वहां पर दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी भी एनल फिशर्स का एक बहुत ही बड़ा कारण है, और अधिकतर देखा जाता है कि औरतों में प्रेगनेंसी के टाइम कब्जे के साथ साथ एनल फिशर्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज जैसे हर्पीज, सिफिलिस, या जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इस प्रकार में भी दोस्तों कई लोगों को एनल फिशर्स डेवलप हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अनियमित खान पान, खासकर बहुत जो हैवी प्रोटीन डाइट लेते हैं, जैसे नॉनवेज खाना खाना, या जो बहुत ज़्यादा बाजार का मैदा का ऑयल का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले यूज़ करते हैं, उनमें भी दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन होने के कारण वहां पर एनल फिशर्स पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एनल फिशर्स पैदा होने का एक बहुत प्रमुख कारण होता है एलोपैथिक दवाइयों का दुष्प्रभाव। बहुत सी ऐसी एलोपैथिक दवाइयाँ होती है जो आपके शरीर के अंदर अचानक से पानी की कमी पैदा कर त्वचा को शुष्क बना देती है, जिसके कारण त्वचा जगह जगह से कटने फटने लगती है, और इसी प्रकार के केसेस मलद्वार में भी होते हैं जो एनल फिशर्स को बनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि किन किन कारणों से एनल फिशर्स पैदा होते हैं। यदि हम इन कारणों को दूर करें तो काफी हद तक हम हमारी एनल फिशर्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों, एनल फिशर्स के सिम्टम्स क्या है, कोई व्यक्ति ये कैसे पता करेगा कि उसे फिशर्स हो गए हैं? तो एनल फिशर्स में जनरली सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम्स है वो है दर्द। जो भी व्यक्ति एनल फिशर्स से परेशान रहता है उसे दर्द बना रहता है। ये दर्द टॉयलेट जाने के पहले भी शुरू हो जाता है कभी कभी। कुछ लोगों में टॉयलेट के साथ ही, जैसे ही व्यक्ति टॉयलेट के लिए बैठेगा और स्टूल पास आउट होगा उसी समय उसे दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो कुछ लोगों में स्टूल पास आउट होने के घंटों बाद तक भी दर्द बना रहता है। ऐसा देखा जाए तो लोगों में अलग अलग प्रकार का दर्द ड्यूरेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों, जलन भी इसका एक मुख्य सिम्टम है। तो कुछ लोगों में बहुत ज्यादा जलन पाई जाती है, कुछ लोगों में कम जलन पाई जाती है। जलन के साथ साथ जो दर्द होता है उसमें भी अलग अलग फीलिंग होती है। जैसे कुछ लोगों में ऐसा लगेगा जैसे कांटे से चुभ रहे हैं, झाड़ू की सीके सी जैसे लगी हुई है, कांच के टुकड़े से चुभ रहे हैं, तो कुछ लोगों में ऐसा लगेगा जैसे कुछ चीज फट सी रही हो, दरारें जो है लगातार चौड़ी होती जा रही हो। इसके अलावा दोस्तों, ब्लीडिंग भी एक लक्षण है। तो ब्लीडिंग जो है टॉयलेट के साथ आपको कुछ बूंदें आ सकती है, या टॉयलेट के बाद भी आपको कुछ बूंदें आ सकती है। जनरली कॉमनली देखें तो व्यक्ति जब पूरी तरह से टॉयलेट कर लेगा तो उसे हाथ में ऐसा लगेगा कि ब्लीडिंग लगी हुई है, तो इससे उसे ये पता चल जाता है कि मुझे एनल फिशर्स की ब्लीडिंग हो रही है। या यदि टिश्यू पेपर यूज करता होगा तो टिश्यू पेपर में उसको ब्लड की ड्रॉप्स जो है अलग ही लगी हुई दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोगों में एनल फिशर्स के कारण खुजली पैदा होती है। जनरली सभी लोगों में नहीं होती है, पर कुछ कुछ लोगों में बहुत ज्यादा ईचिंग, बहुत ज्यादा खुजली चलती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोगों में यदि बहुत लंबे समय तक एनल फिशर्स बने रहते हैं तो वहां पर कभी कभी स्किन टैग से बन जाते हैं।
स्किन टैग जो सामान्य भाषा में देखें तो लगभग मस्से जैसे ही लगते हैं और ये एनाल्फिसस लंबे समय तक हैं तो इसके कारण बन जाते हैं, या ये कह लीजिए कि धीरे से पाइल्स की शिकायत भी हो सकती है। दोस्तों एनाल्फिसस में कभी कभी सिक्रेशंस हो सकते हैं, वहां पर चिपचिपा सा पदार्थ बाहर निकल सकता है। और कुछ लोगों में दोस्तों ये दर्द इतना ज्यादा तेज होता है, चुभन वाला जलन वाला, कि व्यक्ति कहीं पर बैठने से भी डरने लगता है। टॉयलेट के बाद बहुत देर तक, लगभग 4-6 घंटे तक, ये दर्द बहुत असहनीय बना रहता है। इतना असहनीय कि व्यक्ति कुर्सी पर बैठने से डरने लगता है, गाड़ी पर बैठने में डरने लगता है, या कहीं भी आप देखेंगे तो उसे बैठने में बहुत डर लगेगा। यहाँ तक कि कई लोग तो टॉयलेट जाने के नाम से ही डरने लगते हैं, क्योंकि वो उस चीज को वापस याद कर लेते हैं कि यदि मैं स्टूल पास आउट करूंगा तो मुझे बहुत असहनीय सा दर्द होने वाला है। तो दोस्तों ये जो है, ये सारे के सारे लक्षण होते हैं एनाल्फिसर्स में। किसी में ये लक्षण कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एनाल्फिसर्स के ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसका मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, जो भी काज है उस काज को दूर कीजिए। यदि आप पानी कम मात्रा में पी रहे हैं तो पानी की मात्रा बढ़ाइए और ग्रीन वेजिटेबल्स अपने खाने में यूज कीजिए। सलाद खाइए, ककड़ी खाइए, टमाटर खाइए, जिनमें पानी अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा आप फ्रूट्स खाइए, ताजी वेजिटेबल्स यूज कीजिए, मार्केट का खाना बंद कर दीजिए, चाय ज्यादा पीना बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार का आप कॉमन मैनेजमेंट करेंगे, पानी अधिक मात्रा में पिएंगे, तो आपके कब्ज की जो बीमारी है उसमें काफी हद तक आराम मिलेगा। और यदि कब्ज आपका ठीक हो जाता है तो आपके एनाल्फिसर्स की प्रॉब्लम भी काफी हद तक दोस्तों ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन से जो लक्षणों के अनुसार यदि दी जाती है तो एनाल्फिसर्स को बहुत ही आसानी से और काफी हद तक ठीक करने की क्षमता रखती है। सबसे पहली होम्योपैथिक औषधि होती है दोस्तों ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को मल द्वार के पास एक्जिमा की शिकायत हो, वहां पर उसे खुजली चलती हो, इसके अलावा वो हिस्सा जो है वहां पर कुछ ऐसा लगता हो जैसे चिपचिपा सा स्त्राव बार बार निकल रहा हो, और व्यक्ति को कब्ज हो, कब्ज में जब भी स्टूल पास करता हो तो गांठे जैसी स्टूल, जैसे बकरी की आपने देखे होंगे स्टूल, वो छोटी छोटी गोलियों जैसी, इस प्रकार की यदि स्टूल पास आउट करता है तो वहां पर दोस्तों यदि फिसर्स की शिकायत है तो वहां पर ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों एनाल्फिसर्स की दूसरी मुख्य दवा है एसिड नाइट्रिकम। तो यदि आपको फिसर्स में बहुत ज़्यादा जलन होती हो, बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता हो, और ये दर्द जो है टॉयलेट जाने से पहले से लेकर टॉयलेट जाने के बाद तक बहुत ही ज़्यादा तीव्र बना रहता है, इसके अलावा यदि आपको मोशन मतलब कि स्टूल बिल्कुल लूज होते हैं, वहां पर बहुत हार्ड कब्ज नहीं होता, बिल्कुल नर्म आपको टॉयलेट पास होती है, किंतु इसके बाद भी आपको एनाल्फिसर्स बन गए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एसिड नाइट्रिकम दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों तीसरी मुख्य दवा है रेटेनिया। तो रेटेनिया भी बहुत ज्यादा दर्द के लिए, बहुत ज्यादा जलन के लिए बहुत ही मुख्य औषधि है, किंतु इसमें और एसिड नाइट्रिकम में अंतर है। एसिड नाइट्रिकम यदि आपको स्टूल पास करने से पहले और स्टूल पास करने के बाद दर्द बना रहता है तो वहां एसिड नाइट्रिकम, किंतु यदि आपको स्टूल पास करने से पहले कोई दर्द नहीं होता, स्टूल पास करने के दौरान कोई दर्द नहीं होता, किंतु स्टूल पास करने के बाद घंटों तक असहनीय दर्द बना रहता है दोस्तों, तो वहां पर रेटेनिया दवा दोस्तों बहुत ही अच्छा असर करती है। दोस्तों एनाल्फिसर्स की चौथी मुख्य दवा है नेट्रम्ब्यूर। दोस्तों नेट्रम्ब्यूर जो होता है वो हमारी बॉडी में पानी को संतुलित मात्रा में शरीर में सभी तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब वितरण करता है। यदि दोस्तों हमारे शरीर में नेट्रम्ब्यूर की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में पानी जो है असमान रूप से वितरित हो जाता है, तो शरीर के कई हिस्से जो है वो ड्राई रह जाते हैं, सूखे रह जाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो किसी किसी मरीज में आपको इस प्रकार की हिस्ट्री मिलेगी कि उसके होंठ के किनारे बार बार फट जाते हैं, या उसको जो है एनाल्फिसर्स की शिकायत हो गई है, मलद्वार के पास जो है सूखापन है और बार बार उस जगह पर दरारें सी पैदा हो रही हो। इसके अलावा यदि आप व्यक्ति के कब्ज की हिस्ट्री लेंगे तो सामने वाला पेशेंट ये बोलेगा कि जब भी वो मल के लिए जाता है, स्टूल करने के लिए जाता है, तो स्टूल एक बार में पूरी तरह से पास आउट नहीं होता और टुकड़ों में बार बार निकलता है। तो दोस्तों इस प्रकार की यदि किसी भी पेशेंट में हिस्ट्री मिलती है तो वहां पर नेट्रम्ब्यूर दवा दोस्तों बहुत ही अच्छा असर करती है। साथ में यदि आप पेशेंट से हिस्ट्री पूछोगे तो पेशेंट ये बताएगा कि उसे नमकीन चीजें खाने की या खाने में बहुत अधिक मात्रा में नमक लेने की आदत सी है। तो ये सारे लक्षण नेट्रम्ब्यूर की तरफ इशारा करते हैं। एनाल्फिसर्स की अगली मुख्य दवा है पायोनिया। यदि दोस्तों एनाल्फिसर्स से बहुत ज्यादा वहां पर दर्द बना रहता है किंतु साथ साथ हमेशा वहां से सिक्रेशंस होते ही रहते हैं और बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, तो ऐसे केसेस में दोस्तों पायोनिया बहुत ही अच्छी दवा है। पायोनिया भी दोस्तों एनाल्फिसर्स के लिए जो टॉप मेडिसिन होती है उसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा दोस्तों सल्फर, यदि बहुत ज्यादा ईचिंग चल रही हो आपको और बहुत ज्यादा जलन हो, दर्द उतना नहीं हो किंतु जलन और खुजली बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो, तो वहां पर सल्फर दोस्तों यूज की जाती है और बहुत अच्छे परिणाम देती है। तो दोस्तों इनमें से लक्षण अनुसार आप अपनी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका उपयोग कर एनाल्फिसर्स में दोस्तों लाभ पा सकते हैं। किंतु दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसी मेडिसिन बताने वाला हूं जो आप केवल एक मेडिसिन कुछ समय तक लगातार यूज करके अपने एनाल्फिसर्स की समस्या से
काफी हद तक आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों ये जो मेडिसिन है यह गंगा ज्ञान कंपनी की एनाल फिशर्स ड्रॉप, तो यहां पर आप देख सकते हैं शायद आपको ये एक्सपोजर यदि संतुलित कर लेगा तो काफी अच्छी फोटो दिखाई देगी, वरना मैं आपको एक फोटो भी डाल दूंगा। G9 नाम से ये एनाल फिशर्स ड्रॉप आती है और इसमें जो एनाल फिशर्स की मैंने आपको बताई है सभी मेडिसिन मिली हुई है, जैसे ग्रेफाइटिस मिली है, एसिड नाइट्रिकम जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं ये भी मिला हुआ है, नेट्राम्यूर, पायोनिया और रेटेनिया ये सभी दवाएं इसमें मिली हुई है। यदि आप इसके इंडिकेशन देखेंगे तो रेक्टल पेन, वर्निंग, कटिंग, टीयरिंग पेन आफ्टर स्टूल, स्टूल के साथ यदि ब्लड निकल रहा हो और एनस में ईचिंग चल रही हो या एनस में स्पाज्म सा हो रहा हो, मतलब खिंचाव वाला दर्द हो रहा हो, तो इन सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी दवा है। 30 ml की दवा दोस्तों, इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा लिमिट में मात्र ₹125। तो आप अपने आसपास के किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ये मेडिसिन ले लीजिए। यदि नहीं मिलती है तो आप हमें हमारे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें, हम आपको ये मेडिसिन जरूर अवेलेबल करवाएंगे। दोस्तों इसे लेने की जो डोज है वो भी बहुत ही सिंपल है, आपको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 20 बूंदे आधा कप पानी में डालकर पीना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू लगभग 2 महीने तक यूज करनी है। आप पहली मेडिसिन लेंगे उससे ही आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, किंतु आपको 2 महीने लगातार यूज करना है ताकि आपको आपकी समस्या में बहुत ही ज़्यादा आराम देखने को मिल सके। तो दोस्तों आप भी ये गंगा ज्ञान कंपनी के एनाल फिशर्स ड्रॉप यूज कीजिए और बताइए कि आपको आपकी बीमारी में कितना आराम मिला। दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको और जानकारी चाहिए हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर जान सकते हैं। ध्यान रखिए केवल मैसेज करिएगा, कॉल अलाउ नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको पसंद आएगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार हमारे दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।